As you can see, this is completed African woman, and the colored area is completed, and have given some highlights with the fevicryl fabric embroidery glitter, because this glitter is very good. It sticks on cloth and never removes if you wash the clothes. Now come on this. I'm going to finish my African woman. Starting में लगेगा कि बहुत heavy है, but इसका जो भी white part है, glue area है, वो आप अगर आप उसको छोड़ दोगे कि ये अब dry हो जाए, तो dry होने के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ glitter दिखाई देगा इसपे. On earrings, और जो आपने ये नेक एरिया पे आपने डिज़ाइन बनाया है, आप इस पर सिर्फ एंड में दे सकते हैं, और आपका अपना डिसीजन है ये कि आप इसको एंड में देना चाहते हो या पूरे होल येलो स्ट्रिप्स पे देना चाहते हो. ठीक है, मैंने इस पर दिया है, और मुझे उनके मतलब ये जो ये वह हैंड एरिया है उस पर डिज़ाइंस होते हैं. आप नेट पे भी देख सकते हैं कि कई अफ्रीकन वोमेन हैं जो बहुत फेमस हैं, उनके हैंड पे काफ़ी ग्लिटरी डिज़ाइंस और काफ़ी मेहंदी के डिज़ाइंस और बहुत सारे कलर्स यूज़ करती हैं अपने आप को डेकोरेट करने के लिए, करती थी. तो जो कि अभी आ चुका है कंटिन्यू, उसके पेंटिंग्स काफ़ी फेमस हैं. जो पैटर्न आपको पसंद है वो बना सकते हो आप. जैसे मैंने हैट पे फिनिश करने फिनिशिंग देने के लिए मैंने वहाँ पर ब्लैक कलर के छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं, रफली बनाए हैं, बहुत फिनिश नहीं है, क्योंकि वो एक नेचुरल लुक देगा. और आप पैंकल्स पे बस बीच में दे सकते हो या पूरे फुल लाइन कवर अप कर सकते हो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू. ये सूखने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, जैसे आपने इसमें देखा है कि इसका ग्लिटर इफेक्ट बहुत अच्छा आया है, और इसमें काफ़ी अच्छी शाइनिंग है, क्योंकि इसका जितना भी ग्लू पार्ट है वो सूख चुका है. नाउ ऑन लेग, आप लेग्स पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं. मैं स्ट्रिप्स बना रही हूँ, जैसे आपने लास्ट वाली वोमेन में देखा होगा, नोटिस किया होगा कि उसके स्ट्रिप्स बने हुए हैं, और वो बहुत अच्छे लग रहे हैं बनने के बाद, ड्राई होने के बाद. डिपेंड है, जैसा पैटर्न आपको पसंद है आप वैसा बना सकते हो, और जैसा पेंटिंग के अकॉर्डिंग है जो उस पर अच्छा लगेगा. जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं सारे फेविक्राइल के हैं, और ये यूज करने में बहुत ही अच्छे हैं. इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, टेक्सचर बहुत अच्छा है. और आपका जैसे अगर आपके पास कोई बेस नहीं है, तो आप नीचे कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या मैंने सिर्फ ऐसी कोई बुक रख ली है, नोटबुक रख ली है, ताकि आपका बेस जो भी है वो बिल्कुल भी मैसी ना हो. थैंक यू.